आज नेक्स्ट चैप्टर शुरू करना है वाटर। इसके अंदर वाटर के सबसे पहले वाटर का इंट्रो देखना है। इंट्रो में क्या क्या देखना है, वाटर की इंपॉर्टेंस, वाटर की अक्रेंस, उसके बाद वाटर बॉर्न डिजीजेज। जो इस चैप्टर में यही सारा कुछ पढ़ना है कि वाटर की सोलिबिलिटी किस वजह से होती है, वाटर में कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज होती है, वो कौन से कंपाउंड को क्या कहते हैं डिजोल्व कर सकती है, कौन सा कंपाउंड को डिजोल्व नहीं कर सकती। उसके बाद एंड वाला टॉपिक होगा वाटर बॉर्न डिजीज। सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में वाले पैराग्राफ में आपने एक शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से आप लोगों को आ सकता है कि राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर आएगा तो उसका आपने कैसे लिखना है, क्वेश्चन पेपर पे लिखने का तरीका आप लोगों को पता होना। इधर इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर ऐसे ही आप लोगों ने लिख के पॉइंट्स नीचे लिखना। सबसे पहला पॉइंट होगा, पहला क्या होता है वाटर की इंपॉर्टेंस में, कि वाटर सबसे पहले हमारी साड़ी की साड़ी जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, वो किसने मिलकर बने, लिविंग सेल जितने हैं वो किसने मिलकर बने हुए हैं, वाटर से, जितने भी लिविंग सेल। और हमारी दूसरी इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, हमारी बॉडी में जितने भी इंजाइम्स हैं उनको अपनी वर्किंग के लिए एक्वस इन्वायरमेंट चाहिए होता है, उनको एक्वस मीडियम चाहिए होता है इंजाइम्स को वर्क करने के लिए, ज़्यादातर जितने भी इंजाइम्स हैं हमारी बॉडी में। उसके बाद ये हो गया हमारी बॉडी के अंदर। उसके बाद दूसरे एनिमल्स के लिए देखें, प्लांट्स के लिए देखें, कुछ एनिमल्स और प्लांट्स कहाँ पर होते हैं, पानी के अंदर जिंदा रहते हैं, उनकी क्या कहते हैं एग्जिस्टेंस के लिए वाटर की होना बहुत ज़रूरी है, एक ये उसकी दूसरी इंपॉर्टेंस। उसके बाद वाटर के हमारे डेली लाइफ में क्या क्या यूजेज हैं, हम कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं वाटर को। सबसे पहले तो हम ड्रिंकिंग के लिए यूज़ करते हैं सबसे बड़ा पर्पज़, उसके बाद कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं और वॉशिंग पर्पज़ इसके लिए यूज़ करते हैं। इधर इसका आंसर आप लोगों को मिल जाएगा, थ्री पॉइंट्स बनाने हैं आप लोगों ने। सबसे पहले इट इज़ एन एसेंशियल एंड मेजर कंपोनेंट ऑफ ईच एंड एवरी लिविंग सेल, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ अबाउट 70% वाटर। यहाँ पे एमसीक्यू भी मिल गया है, ह्यूमन बॉडी कितने परसेंट वाटर से मिलकर बनी है, 70% वाटर से। सेकेंड, इट प्रोवाइड्स एन एनवायरनमेंट टू फॉर एनिमल एंड प्लांट दैट लिव इन वाटर, सो ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ देयर लाइफ टू वाटर, देन वो यूज वाटर इन डेली लाइफ फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग एंड वॉशिंग पर्पजेज। ये होगी इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। उसके बाद इसने नेक्स्ट पैराग्राफ में से बात है वाटर की कंटेमिनेशन, वाटर की कंटेमिनेशन कब स्टार्ट हुई और कैसे हुई, किस वजह से हुई, वाटर की कंटेमिनेशन कैसे होती है। एग्रीकल्चर में वो फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं जब बारिश होती है, वो बारिश के साथ कहाँ पे पानी मिल जाता है जाके, वही वाला पानी रिवर्स में, लेक्स में, जिससे वो क्या करता है पानी को कंटेमिनेट करता है। उसके बाद इंडस्ट्रियल वेसिस, इंडस्ट्रियल वेसिस भी सारे आजकल ये दरियाओं वगैरह में ही छोड़े जाते हैं, इंडस्ट्रियल वेसिस के अंदर केमिकल्स होते हैं बहुत डिफरेंट डेंजरस केमिकल, फिर वो आगे जाके फिशेज वगैरह को नुकसान पहुँचा, जैसे अपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम क्या होती है, फिश के गिल्स के अंदर जाके क्लोक कर दे, जिसकी वजह से उसके सफोकेशन से फिश की डेथ हो जाती है। पढ़ा था ना, ये सारे मेटल्स कहाँ कहाँ से आते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट से, इंडस्ट्रियल वेस्ट डिफरेंट मेटल्स छोड़ती है पानी के अंदर। उसके बाद और इसका नुकसान क्या है, जानवरों का, फिशेज का तो नुकसान है, इंसानों का भी नुकसान है। इंसानों को कैसे नुकसान होगा, जब वो वाटर क्या कहता है टॉक्सिक वाटर पिएंगे, ऐसा वाटर पिएंगे तो उससे वाटर बॉर्न डिजीज होंगे, डिफरेंट वाटर बॉर्न डिजीज इस चैप्टर के एंड पे पढ़नी है, जैसे डिसेंट्री हो गई सबसे कॉमन डिजीज वाटर बॉर्न से होने वाली। उसके बाद कोलरा, ये सारी डिजीज किससे होती है, वाटर बॉर्न डिजीज कंटेमिनेटेड वाटर, टॉक्सिक वाटर पीने से होती है, जिसके अंदर डिफरेंट मेटल्स या फिर कोई इंसेक्टिसाइड वगैरह डिजोल्व हुई, ऐसा पानी पीने से डिफरेंट बीमारियाँ होती है। अब आ जाते हैं अक्रंस ऑफ वाटर के ऊपर। अक्रंस में क्या देखना है, अक्रंस में देखना है कि वाटर हमारी कहाँ पे कितने परसेंट वाटर है, कितने परसेंट वाटर लैंड के ऊपर है, कितने परसेंट वाटर मतलब ओशियन में है। सबसे पहले हम हमारी वाटर का 100% वाटर है तो उसके अंदर से 97% वाटर किस शक्ल में है, ओशियंस की शक्ल में। और वो वाला वाटर कौन सा वाटर है जो हम यूज़ नहीं कर सकते, ना ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए, ना कुकिंग पर्पज़ के लिए, ना किसी और पर्पज़ के लिए, क्योंकि उसके अंदर मैंने बताया था क्या होते हैं, उसके अंदर डिफरेंट सॉल्ट डिसॉल्व होते हैं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा सॉल्ट होते हैं ओशियन वाटर के अंदर। उसके बाद सेकेंड, अब 3% वाटर किस शक्ल में होता है, आइस कैप्स की शक्ल में होता है, ग्लेशियर्स, रिवर्स होते हैं, लेक्स होते हैं, और ये वाला वो वाटर है जो हम यूज़ कर सकते हैं ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए और दूसरे पर्पज़ के लिए। इसके बाद नीचे आ जाता है जी, ये जो से MCQs, 5 MCQs निकलते हैं ये नीचे, ये जो बना हुआ चार्ट, पाई चार्ट इसको कहते हैं, 97% वाटर ओशियंस के अंदर। उसके बाद ये जो ब्लू कलर है वो येलो कलर है, येलो कलर शो कर रहा है ग्लेशियर्स को और आइस कैप्स को, उसमें कितना परसेंट वाटर, 2.1%। उसके बाद ग्रीन कलर शो कर रहा है ग्राउंड वाटर को, ग्राउंड वाटर 0.6%, और ये जो छोटी सी येलो लाइन साथ है वो इनलैंड वाटर है 0.2%, और एटमॉस्फेरिक वाटर कितना है 0.0001%। सबसे कम कहाँ पे आया वाटर, एटमॉस्फेयर के अंदर, वाटर वेपर्स की शक्ल में, सही है। ये MCQs कितने बन गए, MCQs 5, और ये डिफरेंट तरीके से बन सकते हैं कि अगर इसने क्या, बाकी 3% जो वाटर है उसमें से मेजर वाटर कौन सा वाला है जो हम यूज़ कर सकते हैं, मतलब मेजर परसेंटेज कौन सी वाटर की, ग्लेशियर और आइस कैप्स की है, ग्राउंड की है, एटमोसफेयर की है, या इनलेट की है, इस तरह से भी MCQ आता है। एक मेजर हो गया और एक माइनर हो गया कि सबसे कम परसेंटेज कौन से क्या कहते हैं वाटर के उस 3% में से, तो वो कौन सा होगा, एटमोसफेयरिक 0.0001%।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन नीचे आ जाओ। अभी मैंने कहा था ना कि ओशन के वाटर अनफिट हो रहा है ड्रिंकिंग के लिए, उसने अब नीचे यही वाला सवाल बनेगा। यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन लिख सकते हैं व्हाई सी वाटर इज अनफिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पजेस। इसका आंसर इधर लिखा हो, सी वाटर इज अनफिट फॉर ड्रिंकिंग एंड एग्रीकल्चर पर्पजेस ड्यू टू द हाई परसेंटेज ऑफ डिजोल्व सॉल्ट्स। सॉल्ट्स की बात की थी मैंने, इन सॉल्ट्स की वजह से ये पौधा, ये सॉल्ट्स क्या होते हैं, एक तो नाम हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में इनको जाके हम इनको डाइजेस्ट कर सकते हैं, और दूसरा ये बहुत डिफरेंट पौधों के लिए, डिफरेंट जो से एग्रीकल्चर लैंड होते हैं उनके लिए भी ये हार्मफुल होते हैं। ओनली 0.2% ऑफ द टोटल वाटर ऑन द अर्थ इज पोर्टेबल डेट इज फिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पजेस। अब उसे क्या जो सा सिर्फ 0.2% वाटर है ना, इनलैंड वाटर, हम कौन सा वाटर यूज कर सकते हैं, इनलैंड वाटर। इनलैंड वाटर मतलब ये जो लेक्स हैं, रिवर्स हैं, ये सारे क्या इनलैंड वाटर है, और ये सिर्फ कितना है 0.2%, और इसे भी 0.2% वाटर है जो पोर्टेबल है। पोर्टेबल का मतलब है जिसको हम ड्रिंकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। पोर्टेबल वो चीज़, पैलेटेबल या पोर्टेबल, आपने पैलेटेबल ही पढ़ा होगा, पोर्टेबल ये सारी वो चीज़ें होती है जो हम खाने के लिए या फिर पीने वगैरह के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर ये लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। अब क्या होता है, वाटर के सबसे पहले प्रॉपर्टीज के आने के लिए सबसे पहले हमें वाटर का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि वाटर के अंदर क्या एटम्स है, उसकी क्या मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या उसके अंदर है वाटर के अंदर। सबसे पहले देखो वाटर के अंदर कितने एलिमेंट्स होते हैं, 3, 2 हाइड्रोजन होते हैं और एक होता है ऑक्सीजन। और ये सबको पता है ऑक्सीजन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है किसके मुकाबले में, हाइड्रोजन के मुकाबले में, मतलब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज़्यादा होती है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू क्या होती है, कम होती है। इसकी वजह से क्या होता है, वाटर के अंदर एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, और यही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या कहता है, इसके आयनिक कंपाउंड्स को, पोलर कंपाउंड को डिजोल्व करने की वजह होती है। अच्छा, प्योर वाटर, अब इसने लिखा प्योर वाटर इज क्लियर कलरलेस ऑडरलेस एंड टेस्टलेस लिक्विड विद फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। सबसे पहले इसका अगर हम चेक करें, ये एसिड है या बेस है या फिर न्यूट्रल है, तो लिटमस पेपर से क्या होगा, ये न्यूट्रल होगा। लिटमस पेपर के कलर पे कोई असर नहीं छोड़ेगा, लिटमस सॉल्यूशन के कलर को चेंज नहीं करेगा। फिर फ्रीजिंग पॉइंट, ये तो आम सी बात, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये सारी शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है और लॉन्ग में भी आ सकती हैं। उसके बाद डेंसिटी, डेंसिटी मैक्सिमम होती है वाटर की 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ये कह रहा है वो एमसीक्यू के, वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम किस टेम्परेचर पे होती है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और कितनी होती है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सही है। उसके बाद मैंने क्या कहा था, अब ये कौन से कंपाउंड को डिजोल्व कर सकता है, मतलब किसके लिए सॉल्वेंट के तौर पर काम करता है, आयनिक कंपाउंड्स के लिए और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स के लिए। नॉन पोलर कंपाउंड्स के वाटर डिजोल्व नहीं करता। आप लोगों ने एक रूल पढ़ा हुआ सॉल्युबिलिटी का, लाइक डिजोल्व लाइक, मतलब पोलर जो सा होगा पोलर को डिजोल्व करेगा और नॉन पोलर होगा जो नॉन पोलर को डिजोल्व करेगा। तो वाटर क्या पोलर है, इसलिए वो स्लाइड पोलर या फिर स्लाइडली पोलर कंपाउंड्स को डिजोल्व करेगा, बल्कि वो ऐसे कंपाउंड्स के, नॉन आयनिक कंपाउंड्स के, ऐसे नॉन आयनिक कंपाउंड जिसके अंदर हाइड्रोक्साइड आयन होंगे, वो उसको भी डिजोल्व कर सकता है। ये आगे आप लोगों ने एग्जांपल पढ़नी है। उसके बाद आ जाती है हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी वाटर की ये एक अलादा से शॉर्ट क्वेश्चन है, यहाँ से कि वो 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन, यूनिट नहीं गलत होना चाहिए, पर ग्राम पर केल्विन, 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन। हीट कैपेसिटी क्या होती है, वाटर की अपने अंदर हीट अब्जॉर्ब करने की एबिलिटी जो होती है ना, कि कितनी हीट वाटर अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है, वो होती है हीट कैपेसिटी। और वाटर की हीट कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से क्या कहते हैं, वाटर हमारे इन्वायरमेंट के टेम्परेचर को कम करने में क्या करता है, मदद देता है। क्योंकि जो टेम्परेचर ज़्यादा होगा, वाटर क्या कर सकता है, उस हीट को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर सकता है, और कितना कर सकता है, पर ग्राम कितनी हो सकती है, 4.2 जूल पर ग्राम और पर केल्विन। और ये कितने टाइम ज़्यादा है रॉक से, कितने टाइम ज़्यादा है पत्थरों से, 6 टाइम ज़्यादा है। इसलिए वाटर का मेजर रोल है टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए। सही है। द स्पेसिफिक वाटर वाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द अर्थ टेम्परेचर विद इन लिमिट्स, लिखा भी है, अदरवाइज डे टेम्परेचर वुड हैव बीन टू हाई एंड नाइट टेम्परेचर वुड हैव बीन टू लो टू फ्रीज एवरीथिंग। ये वाटर ही है जिसकी वजह से क्या होता है, दिन का टेम्परेचर और रात के टेम्परेचर में ज़्यादा फर्क नहीं होता। अगर ये ऐसा है, वाटर की हीट कैपेसिटी इतनी ना होती, तो दिन के टाइम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता और रात के टाइम टेम्परेचर क्या होता, बहुत कम होता। आगे है कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन क्या होता है, और कैपिलरी एक्शन होता किस वजह से, वाटर की सरफेस टेंशन क्या होती है, हाई होती है। इस वाटर की हाई सरफेस टेंशन की होने की वजह से वाटर एक फेनोमेना शो करता है, कैपिलरी एक्शन। आप लोगों ने पढ़ा है ना रूट्स, प्लांट्स में जो से रूट से पौधे से पानी जाता है, एरियल पार्ट्स तक, एरियल पार्ट जो से होते हैं उसके लीव्स वगैरह, अब वो किस वजह से जाता है, कैपिलरी एक्शन की वजह से। कैपिलरी एक्शन होता है पानी का नीचे रूट से कहाँ तक जाना, ऊपर। अच्छा, अब ये ऊपर क्यों जाता है पानी, क्योंकि पानी की सरफेस टेंशन हाई होती है। सरफेस टेंशन का मतलब होता है पानी के जो से मॉलिक्यूल होते हैं ना, वो दूसरे मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। फिर जैसे पानी के मॉलिक्यूल आते हैं उसके साथ बाकी भी पानी सारा, ये सरफेस टेंशन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कैपिलरी एक्शन के लिए।
और कैपिलरी रिएक्शन का पता चल गया। अब लोगों क्या होता है ऐसा फिनोमेना जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वाटर का रूट से एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स तक जाने के लिए। दिस अच्छा दिस और अच्छा दिस प्रोसेस इज सर्वाइवल फॉर द वाइटल वाइटल फॉर द सर्वाइवल ऑफ लैंड प्लांट्स। बस ये क्या कहता है प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, कल वाटर एज अ सॉल्वेंट पढ़ेंगे उसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग और बाकी सारे। हुई भी है कि नहीं मैम मेमोरी नहीं फील होती थी।